हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज थापा और स्वागत है आपका फिर से एक बार इन्फॉर्मेशन अपडेट में। तो फ्रेंड्स, इस बार इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल का जो 2019 का जो रिक्रूटमेंट चल रहा है उसका कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करने जा रहा हूँ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और प्लस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो मैं हमेशा लेके आऊँगा जिससे कि आपको ये बहुत सारे हेल्प मिल सके। तो बढ़ते आज के इस टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, ये है वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल 2019 का कंप्लीट सिलेबस। ये मेरे ब्लॉग में भी अवेलेबल है, अगर आप ब्लॉग से देखना चाहते हैं तो आप टाइप कीजिएगा इन्फॉर्मेशन अपडेट 12.blogspot.com। तो देखते हैं यहाँ जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है सभी चीज़ को ध्यान से देखते हैं। और सबसे पहले देखते हैं वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल 2019 का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न में सबसे पहले जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज रहेगा जिसमें 50 मार्क्स रहेगा। इसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहेगा जिसमें 30 मार्क्स रहेगा। और उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में जो टोटल मार्क्स 20 दिया गया है तो टोटल मार्क्स 20 रहेगा। और इस प्रकार तीनों पार्ट के लिए टोटल टाइम दिया गया है 1 आवर और टोटल मार्क्स दिया गया है 100। उसके बाद क्वेश्चन पेपर रहेगा बंगाली एंड नेपाली में और एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग है 1/4, यानी कि आप 4 क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपका 1 मार्क्स कट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मेन एग्ज़ाम पैटर्न। तो मेंस एग्ज़ाम के जो पैटर्न में जो जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज में टोटल 25 मार्क्स रहेगा, इंग्लिश में 25 मार्क्स रहेगा, मैथ में 20 मार्क्स रहेगा और रीजनिंग एंड लॉजिकल एनालिसिस में 15 मार्क्स रहेगा। तो इसमें भी टोटल टाइम दिया गया है 1 आवर, लेकिन इसमें जो टोटल मार्क्स 85 दिया गया है। इसके बाद इसमें भी जो क्वेश्चंस पेपर रहेगा वो बंगाल या नेपाली में रहेगा। एग्ज़ाम जो है वो मल्टीपल चॉइस रहेगा। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग भी इसमें 1/4 है। तो उसके बाद देखते हैं सिलेबस। तो सिलेबस में देखते हैं क्या क्या आपको रेडी करना चाहिए। तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस में देखते हैं। जनरल अवेयरनेस में जो डेली न्यूज़ होता है वो आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद कंट्रीज एंड कैपिटल्स है, ये भी आपको इसका भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद करंट इवेंट्स है, उसके बाद स्टेट्स कैपिटल्स, कल्चर, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड कल्चर। उसके बाद है साइंटिफिक रिसर्च, स्पोर्ट्स, कंट्रीज एंड करेंसीज, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स, फेमस पर्सनलिटीज, करंट जीके। उसके बाद है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो उसके बाद जो रीजनिंग है, रीजनिंग से जो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए अल्फाबेट सीरीज, डाटा इंटीग्रेशन, नंबर रैंकिंग, स्टेटमेंट्स एंड आर्गुमेंट्स, डायरेक्शंस, मिरर इमेजेस, अरिथमेटिकल रीजनिंग, एम्बेडेड फिगर, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, नंबर सीरीज, डिसीजन मेकिंग। उसके बाद है क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, क्यूब्स एंड डाइस, सिलोजिज्म। ये तो था रीजनिंग से। इसके बाद बात करते हैं मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स में हाइट एंड डिस्टेंस, डाटा इंटीग्रेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एचसीएफ एंड एलसीएम, लॉगरिथम, सिंपल इंटरेस्ट, एलिगेशन और मिक्सर, टाइम एंड वर्क, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद ब्लड रिलेशन, चेन रूल, एवरेज, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, प्रोबेबिलिटी, प्रॉब्लम्स ऑन एज, सर्च एंड इंडिसेस, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसके बाद है पाइप्स एंड सिस्टम्स, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट,
और बोरिंग स्ट्रीम। तो ये था मैथ्स है। उसके बाद ये जो इंग्लिश है वो मेंस में रहेगा और प्रीलिम्स में ये इंग्लिश नहीं रहेगा, ये मेंस में रहेगा। तो इसमें अनसीन है, पैसेज है, एंटोनिम्स, मीनिंग्स, ग्रामर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस करेक्शन, आर्टिकल्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट, स्पॉटिंग एरर। इसके बाद फ्रेज रिप्लेसमेंट, पैराजम्बल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड फॉर्मेशन, क्लोज टेस्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, idiom and phrases, fill in the blanks, adverb, adjectives। इसके बाद है missing verbs, synonyms, verb। तो ये था इंग्लिश से। तो यहाँ तक जो है कंप्लीट सिलेबस डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप इसी के बेसिस में आप प्रिपरेशन कीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।